नमस्कार दोस्तों, आज मिनोमैक्स फैमिली में एक नए मेंबर जुड़ रहे हैं। एक हमारी टीम में बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर आ गए हैं, ये हैं रोबोट। दिस रोबोट इज मेंट फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। इससे हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और आज हमारे ओटी में आज पहले दिन आए हैं। दिस इज़ अ वेरी हैप्पी ओकेजन, वेरी बिग ओकेजन फॉर आवर टीम। द आइडिया इज कि हम MIS टेक्निक से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इतने सालों से दे रहे हैं, जो आप पहले से ही जानते हैं, दैट इज सर्जिकल एक्सपर्टाइज जो हम आपके लिए करते हैं। लेकिन इम्प्लांट पोजिशनिंग, बोन कट्स, उसमें जो प्रिसीजन हमें चाहिए, कई बार वो एक जिसको ह्यूमन एरर कहते हैं, वो फैक्टर हमेशा रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ ऑफ द इम्प्लांट में फ़र्क पड़ सकता है, परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ सकता है। उस चीज़ को एक्सक्लूड करने के लिए रोबोट इज़ विद अस। रोबोट में हम जो भी पिक्चर पेशेंट की बोन की फीड करेंगे, उसका जो भी इंफॉर्मेशन हम देंगे, बिल्कुल अप टू 1 मिलीमीटर, लेस देन 1 मिलीमीटर का प्रिसीजन रोबोट हमें देता है, ताकि हमारे पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट मिले। जो इम्प्लांट की पोजीशन है, फॉर एग्जांपल हम नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इसमें फीमर इम्प्लांट है, टिबियल इम्प्लांट है, जो भी हम पोजिशनिंग करते हैं, जो भी हम एंगल देते हैं, दिस ऑल डिसाइड्स द परफॉर्मेंस एंड द लॉन्गेविटी ऑफ द इम्प्लांट। अगर हम आईबॉलिंग यानी खुद अपने असेसमेंट से कोई काम करते हैं तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन अगर रोबोट ये काम करेगा तो उससे गलती के चांस बिल्कुल निल हैं। दैट मींस वी आर गिविंग यू बेस्ट ऑफ सर्जिकल एक्सपर्टाइज, दैट मींस MIS टेक्निक, प्लस वी आर गिविंग यू बेस्ट ऑफ द इम्प्लांट पोजिशनिंग बाय रोबोटिक प्रिसीजन। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी होंगे और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी होंगे। इसमें हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, बोन की जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली फीड करते हैं, वो इस कंप्यूटर में आ जाता है, और ये कंप्यूटर कनेक्टेड है रोबो से। ये रोबोटिक आर्म है और ये इसमें बर होती है जो बोन के अंदर कट्स लेती है। इसका जो भी एंगल है, जिस एंगल से उसको जाना है, जितने मिलीमीटर बोन काटना है, वो सब ये बर ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली एक्टिव रोबोट। अब तक जो रोबोट्स अवेलेबल थे, देवर सेमी एक्टिव, जिसमें सर्जन को हाथ से पकड़ के ही सर्जरी करनी पड़ती थी। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें जो हम इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, पेशेंट की बोन स्ट्रक्चर, पेशेंट की डिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंगली इसमें ऑटोमेटिकली कट्स आएंगे। सो दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक रोबोट जो अब हम अपने पेशेंट्स को फैसिलिटी दे पाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप पूछना चाहेंगे। हालांकि हम आने वाले वीडियोज़ में पूरा डिटेल आपको बताएंगे, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट एक्चुअली परफॉर्म्स द सर्जरी, इसमें हम कैसे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, और उसके रिजल्ट्स भी आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन जो भी सवाल आप आज पूछना चाहते हैं, आज हमारे जो सैटरडे लाइव हमारा शो होता है रात को 9 बजे, उसमें वो सवाल पूछ सकते हैं, अपने एक्सरे सेंड कर सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनके आंसर के साथ हम आपसे मिलेंगे रात को 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।